एक कमेंट जो वायरल हो गया, पोता बेटा पापा कौन, ये सबको पता चल गया। राउंड वन हुआ था यहां से शुरू, और एक बार फिर आमने सामने है शोएब और वीरू। मैदान पर थे ये दोनों सच्चे कॉम्पिटिटर, और अब मैदान के बाहर ये दोनों है अच्छे दोस्त। लेकिन एबीपी न्यूज पर सुपरहिट है इनकी नोकझोंक। बहुत बहुत स्वागत, यह है एबीपी न्यूज पर महाकवरेज भारत पाकिस्तान फाइनल के लिए 18 जून के लिए। बहुत बहुत स्वागत आपका शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग हमारे साथ बने रहने के लिए। वीरू, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि आपने पहले मैच से ये कहा था कि ये प्रैक्टिस मैच होगा, अब इस फाइनल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो प्रैक्टिस मैच शायद हमारे ख़त्म हो गए हैं, अब ये फाइनल मुकाबला है। पाकिस्तान भी अच्छा खेल कर आई है फाइनल तक, एक मैच आ रही है जो कि भारत ने हराया है, और उनका मुकाबला फिर भारत से फाइनल में। जैसा कि मैं पहले भी कहा कि जो रिकॉर्ड है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के या वर्ल्ड कप के, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, भारत कभी हारा नहीं है। तो शायद ज़्यादा दबाव पाकिस्तान के ऊपर होगा, और भारत को मालूम है सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और वो उनका पलड़ा ज़्यादा भारी है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को पहले भी हराया इस टूर्नामेंट में। शोएब भाई, आप क्या कहेंगे? जैसे सहवाग यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बार फिर सारा का सारा दबाव पाकिस्तान पर ही होगा, क्योंकि हमेशा बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान भारत से हारता है। देखिए, फर्क कोई नहीं पड़ता, हम 72 वनडे जीते हुए हैं ऊपर, और आप 52, 38 टेस्ट मैच ड्रॉ हैं, 12 टेस्ट मैच हम जीते हैं और 9 आप जीते हुए, तारीख तो ये बताती है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ड्रीम कम ट्रू हो गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी, दुनिया मज़ा करे, आप करें, और आईसीसी को मुबारक हो कि इतनी बड़ी दो टीमें पहुंची हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तो दो मैच खेल के घर आ जाएगी वापस, तो आप देख लें पाकिस्तान ने कैसा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया फाइनल मैच। लेकिन लेकिन शोएब भाई, ये जो आपने कमबैक की यहाँ बात करी है, यहाँ पर हम सब खुश है, आपने कहा कि आईसीसी को भी मुबारक हो, यही चीज कुछ आपके कप्तान आमिर सोहेल ने भी कहा था कि आईसीसी को मुबारक हो कि अब पाकिस्तान जो है फाइनल तक पहुंचा दिया गया है। तो ऐसे बयान पाकिस्तान के कप्तान की तरफ से अपनी टीम पर इस बड़े फाइनल से पहले? मैं उनके बिहाफ पे तो जवाब नहीं दे सकता उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। शोएब अख्तर क्या कह रहा है ये सुन लें। मेरे ख्याल में हमारे कप्तान ने अच्छी बॉलिंग करवाई, चेंजेस अच्छी थी, लड़के जीते हैं, खेल के जीते हैं, लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे पाकिस्तान थ्रू करेगा, नौजवान टीम है, हालात आपके सामने हैं। देखिए, हम मुझे शौक नहीं है बड़ी बड़ी बातें करने का या कुछ ऐसा कहने का या तूफान बदतमीज़ी। विवेक, एक बड़ा मुझे बहुत दुख हो रहा है एक चीज़ का कि दोनों तरफ से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे इतनी तूफान बदतमीज़ी है कि मुझे इतना दुख होता है कि यार हम हज़ार साल के जाहिल बेहतर थे और आज करके पढ़े लिखों से, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स लिखे जा रहे हैं सोशल मीडिया पे जैसे पता नहीं कि हम एक दूसरे की क्या, मतलब क्या कर दिया हमने एक दूसरे का। लेकिन ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी आवाम दोनों से, जो जीते हम्बली एक दूसरे को मुबारकबाद दीजिए, गले लगाइए और शाबाशी दीजिए, लेकिन ये तूफान बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप देखें, आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अब बहुत ज़बरदस्त मुकाबला आ चुका है, हिंदुस्तान की बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी टीम है हिंदुस्तान की, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया उन्होंने श्रीलंका के बाद, और उन्होंने बताया कि वो 300 रन चेज करने की पूरी ताकत रखते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग की चेंजेस आई, पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त चेज भी किया, पाकिस्तान ने फिर इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा आराम से ब्रीज थ्रू किया। तो अब मज़ा इस चीज़ का है कि अब पाकिस्तान भी टफ क्रिकेट खेलेगा और हिंदुस्तान भी एक बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलेगा। ये दो जो तगड़ा मुकाबला होगा, इसमें मैं कहता हूँ क्रिकेट जीत जाए और उसमें आप यू नो क्लोज गेम हो, मज़ा आए, और जो भी जीते उसको गले लगाएं, शाबाश दें और खुले दिल से मुबारकबाद दें। लेकिन खुदा रहा, मैं दोनों से आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बदतमीज़ियाँ ना करें, ये इससे इस गोज़ टू शो द कैरेक्टर ऑफ द नेशंस। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैंने हिंदुस्तानियों के साथ भी काम किया हुआ, मैंने अपने मुल्क के लोगों के साथ भी काम किया हुआ, दोनों बड़े कहेंगे जो यहाँ पर ये बात यहाँ पर शोएब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, और खैर आपका पोते बेटे का कमेंट तो बिल्कुल ही वायरल हो चुका है।
देखिए, अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा सुनने में मिलेगा। तो मैं सिर्फ लिखता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग अपने अपने विचार रखते हैं और सबको अपने विचार रखने का हक है। कोई अच्छे लिखता है, कोई बुरे लिखता है। जैसे पाकिस्तान के आमिर सोहेल ने जैसी स्टेटमेंट दी, वो शोएब अख्तर तो वैसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं। तो सबका अपना हक है बोलने का और वो आज़ादी है सबको बोलने की। लेकिन एक बात मैं सहमत हूँ शोएब की से कि अगर आप गाली गलोच करेंगे या किसी की पर्सनल लाइफ पर जाकर कमेंट करेंगे, वो सही नहीं होता। चाहे वो मेरे देश की जनता हो या पाकिस्तान की जनता हो, वो गलत है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, कुछ भी, मैंने भी कमेंट किया है, आप भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ पर जाकर कभी कमेंट नहीं करना चाहिए। और ऐसा होता है जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला आता है तो प्लेयरों की जो पर्सनल लाइफ है उस पर कमेंट किया जाता है, उसके बारे में कुछ बोला जाता है, जो कि गलत है। आप खिलाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस और बुरी परफॉर्मेंस पे बात कर सकते हैं कि उन्होंने ख़राब गेंदबाजी की, उन्होंने ख़राब बल्लेबाजी की, उस पर ज़रूर कर सकते हैं। और रही बात इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले की, इसकी हाइप हमेशा से रहती है, चाहे वो किसी भी टूर्नामेंट का मुकाबला हो, किसी भी टूर्नामेंट का। आईसीसी का बहुत बड़ा है, इवन अगर आपस में भी कभी खेलते हैं या कहीं कोई फ्रेंडली मैच होते हैं तब भी ऐसा होता है। जी, आपने यहाँ पर बात करी सोशल मीडिया की और जो लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आमने सामने तो प्लेयर्स भी खुद कुछ ना कुछ कह जा रहे हैं। सबसे पहले मोहम्मद आमिर ने बोला, जुनैद खान ने बोला, और अब उनके बॉलिंग कोच अजहर महमूद भी ये बात कह रहे हैं कि माइंड गेम्स के नाम पर कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विराट पर प्रेशर होगा, विराट को हम जल्दी आउट कर देंगे, पाकिस्तान इंडिया की जो बैटिंग है वो अभी तक टेस्ट नहीं हुई है एक अच्छे अटैक के खिलाफ। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखेंगे? यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ जी विवेक, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए हमसे लोग, हम जब टीवी पे बैठते हैं ना, हम 20 साल के नहीं हैं। अब इन वीरेंद्र सहवाग ने 16,000 रन किए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, मैंने आउट किए हुए 450 आउट किया हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मैं ही चाहता हूँ बच्चे हमसे सीख के जाएँ कि टीवी पे बोलना क्या है, हमने कहना क्या है। क्या ये बच्चे ना देख के जाएँ कि ये शोएब तो ऐसे टीवी पे बात करता, तो यही अच्छा आइडिया है, ऐसे ही बोलना अंदाजे को, राजधान के हमें टीवी पे देख के हिंदुस्तान के बच्चे मुझे सीख के जाएंगे ऐसे बदतमीजी से बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल दोनों तरफ से मैं कह रहा हूँ, दोनों तरफ से जो रिस्पांस दोनों तरफ से आया है, मुझे बहुत सख्त, मेरा दिल दुखा है कि यार मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ हिंदुस्तानियों को, मैंने बड़ा उनके साथ काम किया, मेरा उनके फैमिलीज के साथ उठना बैठना, बड़े बेहतरीन लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। सिमिलरली सहवाग जब यहाँ पर आया है और लोग जब यहाँ पर आए हैं हिंदुस्तान के, हमने बड़ा सर पर बिठाया है, प्यार दिया है उनको, मान सम्मान दिया था, और वो आपको पता है विवेक, आप भी उस टूर पे आए हो काफ़ी दफ़ा, कितना हम प्यार करते हैं लोग। लेकिन वन इट कम्स टू क्रिकेट अपना ज़रूर जज्बा दिखाइए, अपना पेट्रियाटिज़म दिखाइए, आप कोशिश कीजिए कि हिंदुस्तान को पूरा बैक कीजिए, आपका मुल्क है, आपकी इज्जत है, करिए। लेकिन डोंट क्रॉस द लाइन, डू नॉट क्रॉस द आइदर फ्रॉम द एनी साइड। पर हम इसी लाइन, यही लाइन, हम इसी लाइन को जो क्रॉस करने की आप बात कर रहे हो, मैं यही चीज मैं यहाँ पर सहवाग से भी मैंने यही पूछा है कि जो मैच से पहले जो कमेंट्स आते हैं प्लेयर्स के हिसाब से, मोहम्मद आमिर ने बोला, जुनेद ने बोला, अजहर महमूद ने बोला, उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर। तो प्लेयर्स को भी नहीं बोलना चाहिए, मेरा ख्याल है प्लेयर्स को भी नहीं बोलना चाहिए। भाई आपका मैच फाइनल आप पहुंच चुके हैं, आइदर पाकिस्तान टीम, लेकिन इंडियन खिलाड़ी ने नहीं बोलना नहीं चाहिए अभी तक, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में अपने आप को एडिट प्रेशर डालने की चीज है कि मैं विराट कोहली को टारगेट करूंगा, अभी तक हिंदुस्तानी किसी भी खिलाड़ी ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं पाकिस्तान का कह रहा हूँ सवाल, तो मैंने खाम खा के एडिट प्रेशर है, आप जाइए अच्छी क्रिकेट खेलिए, कोशिश करिए, लेकिन आपने खुद भी दी हुई है स्टेटमेंट, प्लान्स बनाइए। क्या वीरभाई बोलिए, आपने खुद भी ये स्टेटमेंट दी कि आप भारतीय बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर को टारगेट करेंगे, तो वो ठीक है, उतना तक ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ पर नहीं जाना चाहिए किसी भी खिलाड़ी की। बट बहुत सारे खिलाड़ी हैं या बहुत सारे लोग हैं, दर्शक हैं, फैंस हैं, जो खिलाड़ियों की पर्सनल लाइफ पर जाकर कमेंट करते हैं जो कि सही नहीं है। देखो यार, वैसे भी एक बात कहते हैं कि गुस्से में बीवी को मनाना। जी वीरू बोलिए, बोल ले, बोल पूरी करूं? बिल्कुल, वेट कर रहे हैं इसका। मैंने कहा गुस्से में बीवी को मनाना और ग्राउंड में विराट को उकसाना खतरे से खाली नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, ये है स्टेटमेंट नंबर वन वीरेंद्र सहवाग का, गुस्से में बीवी को मनाना और मैदान पर विराट को उकसाना खतरे से खाली नहीं है। ये है हमारी एबीपी न्यूज की महा कवरेज,
वीरेंद्र सहवाग और शोएब अख्तर दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ वीरेंद्र सहवाग और शोएब अख्तर दोनों इस महा कवरेज पर बने हुए हैं। सहवाग, आपने ही कहा था ब्रेक से पहले कि बीवी को गुस्से में मनाना और विराट को मैदान पर उकसाना दोनों खतरे से खाली नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने यही गलती करी है। देखिए, अगर करी है तो बहुत गलत किया है, क्योंकि हम सब ने देखा है जब जब पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली उतरे हैं तो उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है। और मैं एक और बात ये कहूँगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में सब ने उसकी ठाट देखी है और पाकिस्तान की उसने हमेशा वाट लगाई है, उसका नाम है विराट। तो जितनी बार भी पाकिस्तान से खेला है वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। ये बात शोएब भी मानेंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं मानेंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी होता है शायद उसकी एक कोई फेवरेट टीम बन जाती है, तो विराट की फेवरेट टीम बनी हुई फिलहाल पाकिस्तान। पिछले मुकाबले में भी जब खेले थे तो उन्होंने नाबाद लगभग 80 के करीब रन बनाए थे, और ये भी मौका है उनके पास एक और अच्छी पारी खेलने का पाकिस्तान के खिलाफ। तो जैसे हम लोग स्टीव वॉक के बारे में कहते थे कि उन्हें कुछ मत बोलिए, अगर उनसे आप लड़ाई करोगे, उन्हें स्लेजिंग करोगे तो वो आउट ही नहीं होते हैं, वो बहुत तगड़े खिलाड़ी बन जाते हैं और बड़े बड़े स्कोर बनाते हैं, वैसा ही कुछ विराट कोहली के लिए भी कहा जाता है। शोएब, क्या कहेंगे आप, मानते हैं कि विराट ही सबसे बड़ा खतरा बना हुआ पाकिस्तान के लिए और अब वो गलती पाकिस्तान के खिलाड़ी ने खुद कर दी है उनको उकसाने की? मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक सारे बड़े कंपोज्ड हैं, सारे बड़े फोकस्ड हैं, विराट खुद बड़ा फोकस्ड होगा। बैटिंग लाइन आपकी बहुत बड़ी है, छोटी बैटिंग लाइन आपकी नहीं है, तो पाकिस्तान जो अगर आप बॉलिंग अटैक देखेंगे, जुनेद खान बड़ा अच्छा बॉलर है, वो तंग करता है। अगर आपको याद हो 2011-12 में दिल्ली में ही विराट कोहली को जुनेद खान ने काफ़ी दफ़ा आउट किया हुआ है, तो जुनेद से हम अटैक कराएंगे विराट को, कोशिश करेंगे वो आगे से वो लैटरल जो मूवमेंट लेते हैं विराट के खिलाफ वो उससे अटैक कराएंगे। रोमान रईस आए हैं, हसद, मैंने आपको हसन अली का कहा था आपको कि हसन अली बड़ा बेहतरीन बॉलर एट पार है मोहम्मद आमिर के, आपको याद होगा पहले प्रोग्राम में वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो पाकिस्तान लेस स्पिनिंग ऑप्शन के साथ तो ज़्यादा फास्ट बॉलर के साथ जाएगा। मुझे लगता है पाकिस्तान ओवरकास्ट कंडीशन को भी जहन में रखते हुए टॉस जीत के मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर एडिड खिलाएगा। अगर आमिर फिट हो जाता तो शायद हम शादाब को ड्रॉप करें और हम हिंदुस्तान को स्पिन के खिलाफ नहीं जाने देंगे, क्योंकि स्पिन पे हिंदुस्तान बहुत ही ज़बरदस्त खेलता है। और अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया तो पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा, क्योंकि अगर आपने देखा है नेचर ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, विकेट बहुत सूखता जाता है। वीरू उधर बैठा, उसको पता है कि यहाँ पे 300 रन बड़े आराम से चेज होते अगर आप जल्दी ना करें। तो आई थिंक कि पूरी बैटिंग लाइनअप जब तक 7 खिलाड़ी आपके जो बड़े ही ज़बरदस्त तगड़े बैट्समैन हैं आपके, उनको उनके साथ पाकिस्तान बॉलिंग का पेचा पड़ना है, फिर पाकिस्तान को अगर चेस करना है 280 या 300 चेस करना है तो पाकिस्तान को बहुत सख्त मेहनत करना पड़ेगी। अब आया है मैच सही। अब देखें, आपको भी यकीन नहीं था, आप अपनी ईमानदारी से बताना कि आपको लगता नहीं था पाकिस्तान फाइनल पहुंचेगा, कोई भी नहीं समझ रहा था पाकिस्तान तो वैसे ही फारग हो जाए। देख लें बिल्कुल, तो आप लोगों ने आपने भी नहीं सोचा था? नहीं, मैंने कहा आपने भी नहीं, खुद नहीं सोचा था, किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने नहीं सोचा था या फैंस ने भी नहीं सोचा था? ना, मैं कभी फेलियर से नहीं डरा। आपने कहा था कि दिलेरी दिखाए तो अच्छा खेल सकता है, तो दिलेरी दिखाई है ना, कोई भी नहीं डरा, पहुंच गए, हम भी नहीं डरे, यही कह रहा हूँ। नहीं, डरा कोई नहीं है, नहीं बट मैं कह रहा हूँ कि हम तो वैसे भी नहीं सोचते कि पाकिस्तान पहुंचेगा फाइनल में, बट मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी फैन, उनको भी ये लगा था कि पाकिस्तान जैसे भारत के खिलाफ खेला है उसके बाद उनको फाइनल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप मेरे प्रोग्राम की क्लिप्स निकाल के देख लें, ये मैं भी कहता हूं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां हर प्रेडिक्शन फेल है। जी हां, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां सब प्रेडिक्शन फेल है। एक छोटे से ब्रेक के हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो एक बार फिर होंगे आमने सामने शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए हैं वीरेंद्र सहवाग और शोएब अख्तर। सहवाग, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेक पे जाने से पहले यहां पर शोएब ने कहा था कि एक टेम्पलेट पाकिस्तान के पास है कि वो हमेशा एक्स्ट्रा तेज गेंदबाजों के साथ जाएंगे ओवरकास्ट कंडीशन, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका ने भी यही कोशिश करी, सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने भी यही कोशिश करी कि वो फास्ट बॉलर से टीम इंडिया के बल्लेबाजों को डराएं, और पूरे टूर्नामेंट में तो बॉल स्विंग ही नहीं हुआ है। तो ये आपको लगता है ये टेम्पलेट
काम आ सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए, भारत के बल्लेबाज चाहे गेंदबाजी कोई भी हो, कोई भी गेंदबाज करे, चाहे तेज हो चाहे स्पिन हो, वो अच्छे खिलाड़ी हैं। उस दिन किस गेंदबाज का दिन है, वो कैसी गेंदबाजी करेगा, वो निर्भर करता है। तो सब ने ये टैक्टिक्स अपना ली हैं, पाकिस्तान भी अपना सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं, वो चार या पांच गेंदबाज, पांच तेज गेंदबाज से खेले, लेकिन पांच तेज गेंदबाज के साथ खेलने का मतलब ये नहीं कि वो भारत को हरा देगा। पाकिस्तान के लिए भारत को हराना जमीन से तारे तोड़कर लाने जैसा है, मुश्किल है। जी हाँ, पाकिस्तान को इंडिया को हराना जमीन से तारे तोड़ने बराबर है, ऐसा कहना है वीरेंद्र सहवाग का। शोएब, आप क्या कहेंगे? तारे टूट के जमीन पे भी तो आते हैं, देखे नहीं कभी? सिर्फ फिल्मों में होता है तारे जमीन पर। फिल्मों में नहीं, मैंने रियल लाइफ में भी देखा है मीटियर्स गिरते हुए। लेकिन बात यह है मेरे भाई, यहाँ पे लड़ाई करने का फायदा नहीं है। राधा दन मीडिया में बोलने पे मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं विराट कोहली को नहीं छोड़ूंगा। भाई, विराट कोहली को नहीं छोड़ना तो आप मैदान में पकड़ो ना उसको। या एमएस धोनी आ रहा है, युवराज आ रहा है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन बहुत अच्छा खेल रहा है, तो ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो आपको टैक्टिकली हैंडल करना। सहवाग हंस रहे हैं, अब वो सहवाग हंस क्यों रहे हैं ये हम पूछेंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम सीधा पूछते हैं वीरेंद्र सहवाग से उनके हंसी की असली वजह, जब शोएब टीवी पर कोचिंग दे रहे थे। नहीं, मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इनको एक्सपर्ट कमेंट्स नहीं करने चाहिए, इनको टीम के साथ होना चाहिए, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस इनका है, जितनी नॉलेज इन्हें है क्रिकेट की, जो बातें ये यहाँ बैठकर टीवी पर करते हैं, अगर वो टीम के साथ बैठकर स्ट्रेटजी बनाएंगे तो पाकिस्तान शायद बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। और ABP न्यूज़ का ये रिकॉर्ड रहा है, जो जो उस चैनल पर आया है एक्सपर्ट कमेंट्स देने, उसने कमबैक की है अपनी टीम के लिए, चाहे वो भारतीय खिलाड़ी हों चाहे वो शायद पाकिस्तान के हों। तो मौका है यहाँ शोएब अख्तर के पास दोबारा कमबैक करने का पाकिस्तान टीम में, वो जाएं अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और जितने भी प्लान्स वो यहाँ बना रहे हैं, बता रहे हैं हम लोगों को, वो टीम को बताएं, उनको समझाएं, तो शायद बेहतर प्रदर्शन कर सके पाकिस्तान भारत के खिलाफ। शोएब, क्योंकि लिस्ट यहाँ पर बहुत लंबी है सहवाग को कोचिंग के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए। नहीं देखे जी, हम एक दूसरे को बैक करने आए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सहवाग हिंदुस्तान का कोच बन जाए और शोएब अख्तर ने पाकिस्तान का बन जाए, तो हमारे दोनों के रोजगार लग जाए और नोकझोंक तो बनी रहेगी। नहीं यार, वीरू बहुत अच्छा आदमी है, वीरी को जो नोकझोंक नहीं है, हमारी नोकझोंक नहीं है, हमारी नोकझोंक नहीं है, क्योंकि मैं वो दिन नहीं बोला हूँ जब पाकिस्तान में हम लोग गए थे, शोएब अख्तर हम लोगों के लिए खाना लाए, अपने रूम में बुलाया, खिलाया। तो नोक जोक नहीं है, ये उनका व्यू है पाकिस्तान के लिए, मेरा व्यू है मेरे भारत के लिए, और वो व्यू कुछ भी हो सकते हैं। आप मेरे साथ दिल्ली बैठते रहे हो, हम खाना खाया, गपशप लगाई, चार चार घंटे बातें करते रहे। लेकिन यार वीरू, मैं इस बात के हक में नहीं, जब मैं आपके साथ बैठा हूँ टीवी पे या आप मेरे साथ बैठे हो, तो मुझे आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करनी पड़ेगी वीरू। इट इज माय मॉरल ड्यूटी कि मैं वीरेंद्र सहवाग की वो सेल्फ रिस्पेक्ट दूंगा, जो मेरा बेशक जो मर्जी व्यू हो। मैच अगर हिंदुस्तान जीतता है तो पाकिस्तानी को सबसे पहले शाबाश देनी चाहिए कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा खेला है, और हिंदुस्तान को मुबारकबाद देनी चाहिए। अगर पाकिस्तान जीतता है तो आई एक्सपेक्ट हिंदुस्तान नहीं, नहीं, पर शोएब यहां पर होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और यही रिकॉर्ड रहा है। चाहे अगर आप देखें, भारत के खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ी अच्छे दोस्त जरूर है, लेकिन फिर भी मैदान में वो सिर्फ मैच नहीं रहता, वो मैच से कहीं ज्यादा होता है, और उसकी एक वजह भी है, और वो वजह आप नकार नहीं सकते। मेरी बात सुने तो फिर हम हजार साल पहले के जाहिल ठीक थे ना, जब मिलके गठे रह सकते थे और इतनी बदतमीजी भी नहीं करते थे। आज हम पढ़ लिख के भी जाहिल हैं, गलत है ना यार विवेक? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि देखो यार, आज हम पढ़े लिखे दौर के दौर में दाखिल हो चुके हैं, हम एक दूसरे की नॉर्म्स को, इज्जत को, इज्जत नफ्स को समझना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आइदर साइड नहीं, मैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान की दोनों की बात कर रहा हूँ। सो मैच है, बहुत तगड़ा खेलिए, मेक श्योर करिए कांटेदार मैच हो, बाउंसर चल रहे हो, जो भी आपने एक दूसरे को लव्ज एक्सचेंज करने हैं, बदतमीजी हद तक करें, लेकिन ग्राउंड के अंदर भी हद तक करें, किसी को गाली गलौच ना दे। वीरेंद्र को पता है कि मैंने माँ बहन की गालियां नहीं देता, मैं जब वीरेंद्र खेल रहा था, सचिन की मैं इज्जत करता था, मैंने सचिन को आज तक कोई गाली नहीं दी,
हालांकि सारे ये गवाह हैं इन चीज के, लेकिन ग्रेट प्लेयर की इज्जत कर, लेकिन हाँ आइए सर पे बॉलें मारिए, जख्मी कीजिए, दांत तोड़िए, सारा कुछ कीजिए, मैच जीतिए, लेकिन जब अगर कोई टीम हिंदुस्तान बेहतर खेल जाए या पाकिस्तान बेहतर खेल जाए, सबसे पहले वो टीम खड़ी हो गले लगाने के लिए कि यार तुम लोगों ने बहुत अच्छा खेला, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। जो लोग हार के गले लगाते हैं दूसरे को यार, वो लोग होते हैं, जीत के तो पर यहाँ पर ये जो बात शोएब यहाँ कह रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा होगा कि चलो ठीक है, मान लिया कि मैदान पे तो सर तोड़ देते हैं, दांत तोड़ देते हैं, वो सब चीजें होती रहती हैं क्योंकि बहुत एग्रेसिव कैप्टन है विराट और बहुत सारे प्लेयर्स इंडियन टीम में ऐसे हैं जो काफी एग्रेसिव है, पर आपको लगता है ये हार जीत के बाद जो होता है इन प्लेयर्स में वो जज्बा है कि वो एक दूसरे के गले लगाएं? लेकिन विवेक और शोएब, ये पहला मैच जो भारत पाकिस्तान को हुआ था उसके बाद ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं, तो उन्होंने दोनों टीमों ने गले लगे थे। ये जो शोएब अख्तर बात कर रहे हैं ये सिर्फ उन फैंस की बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। शायद हो सकता है हिंदुस्तान के फैंस शोएब अख्तर को गाली दे रहे हो, पाकिस्तान के फैंस वीरेंद्र सहवाग को गाली दे रहे हो, ये पॉसिबल है और ये होता रहेगा, उन फैंस को नहीं रोक सकते। लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने कोई भी पूरे मैच में जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था लीग मुकाबले में कोई ऐसा घटना घटी नहीं, सब ने एक दूसरे को प्यार से मिले, हारे जीते कोई भी गले लगाया, हाथ मिलाए और आराम से बातें भी की, तो ऐसा तो हुआ ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्लेयरों में होता है, ये ज़्यादातर सिर्फ फैंस में होता है, जो इंडिया के फैंस होते हैं या पाकिस्तान के फैंस होते हैं वो एकदम कहते हैं कि कट्टर फैंस होते हैं। हम सीधा चलते हैं, हम एक काम करते हैं, सीधा एकदम से ऑफ द फील्ड एक्शन को हम छोड़ देते हैं और हम सीधा मैदान की अगर हम बात करें यहाँ पर फैंस को, हाँ। जी बिल्कुल, हम सीधा मैदान पर आ जाते हैं, वापस एक्शन सारा मैदान पर ले आते हैं। हाँ। सहवाग, मेरा आपसे सवाल यह है कि सब लोग ये जरूर कह रहे हैं कि टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है, सारे खिलाड़ी फॉर्म में हैं, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, खासतौर पर युवराज को एक अच्छा स्टिंट मिला है, धोनी को तो सिर्फ एक मौका मिला है, केदार जाधव को मौका नहीं मिला, रविंद्र जडेजा को नहीं मिला, तो ये एक बड़े फाइनल से पहले ये एक वीक लिंक लग रहा है आपको या फिर एक्सपीरियंस से सब कवर हो जाएगा? देखिए मुझे लगता नहीं, जितने भी मौके मिले हैं चाहे वो युवराज, MS, केदार या हार्दिक पांड्या या जडेजा को मिले, उन्होंने वो चार पांच गेंदें खेली, 8-10 रन बनाए हैं, तो जब आपको ज़्यादा गेंदें खेलने को मिलेंगे तो शायद ज़्यादा भी रन बनाएंगे, तो मुझे वरी नहीं लगता। और जब टॉप ऑर्डर फॉर्म में होता है तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती मिडिल ऑर्डर की, ये दिखाया है हमारे टॉप ऑर्डर ने, जो पहले 3 या 4 बल्लेबाज हैं वो रन बनाते हैं और नीचे वालों की नौबत नहीं आती। जब नौबत आई श्रीलंका के खिलाफ तो MS धोनी ने रन बनाए, केदार जाधव ने कुछ रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने कुछ, तो वो रन बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं, उन्हें जब मौका मिलेगा वो रन बनाएंगे। अगर ऐसे देखें तो पाकिस्तान के साथ भी ये दिक्कत हो सकती है कि उनके जो मेन गेंदबाज थे वहाब रियाज थे या आमिर, वो इंजर्ड हुए, अब वो दोबारा फिट होंगे तो खेलेंगे, नहीं फिट होंगे तो कोई नया खिलाड़ी खेलेगा। लेकिन भारत के साथ ये है कि भारत की एक ही टीम खेलती आ रही है अभी तक, सिर्फ एक चेंज हुआ है, उमेश यादव की जगह आर अश्विन आए हैं, उसके अलावा कोई चेंज हुआ, एक सख्त प्लेइंग 11 बन गई है भारत की, तो मुझे ये कंसर्न नहीं लगता कि लोअर ऑर्डर को बैटिंग मिली है नहीं मिली है। और ये एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल है, यहाँ पर यहाँ कोई ये नहीं सोचता कि उन्हें कितनी बैटिंग मिली है या नहीं मिली है, यहाँ ये सब सोचते हैं जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो परफॉर्मेंस करेंगे, जैसा MS धोनी ने करके दिखाया, हार्दिक पांड्या ने जो 3 छक्के लगाए लास्ट ओवर में पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी दोबारा मौका मिलेगा, वो ज़रूर रन बनाएंगे। पर इससे पहले कि मैं शोएब के पास जाऊँ, वीरू आपसे एक सवाल और यहाँ पर, कि आप किन खिलाड़ियों को ऐसा खतरा, ऐसा वार्निंग देखते हैं पाकिस्तान की टीम पर? आई थिंक मुझे लगता है कि शिखर धवन है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, युवराज सिंह, MS धोनी, सभी खतरा है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर सिर्फ शिखर की बात करें तो पाकिस्तान की साइड से उनका जो ओपनर है फकर, हाँ फकर, वो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मतलब उन्होंने डेब्यू किया इस टूर्नामेंट में, बहुत बढ़िया फकर जमान, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को मैच जिताया। अगर वो अच्छी शुरुआत नहीं देते हैं तो पाकिस्तान दबाव में रहता है, हालांकि उनके पास एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं नीचे, चाहे वो मोहम्मद हफीज़ हों चाहे वो शोएब मलिक हों, लेकिन उन्होंने अभी तक वैसा परफॉर्म नहीं करके दिखाया जैसे हमारे विराट कोहली, युवराज सिंह या MS धोनी करते हैं। शोएब यहाँ पर जो बात सहवाग यहाँ कह रहे हैं कि जो वीक लिंक है क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, और वैसे यहाँ पर टीम इंडिया की बातें होती हैं कि वीक लिंक जो टीम इंडिया का है वो है हार्दिक पांड्या बतौर फिफ्थ बॉलर ऑप्शन, कैसे देखते हैं इस वीक लिंक, क्या ये वीक लिंक ही तय करेगा इस फाइनल का अंजाम क्या होगा? वीक लिंक नहीं है,
वीक लिंक नहीं है, हार्दिक पांड्या वीक लिंक नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा। अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे नौजवान ऑलराउंडर हैं, सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम मुझे वरी नज़र आई जो अश्वन की नज़र आई वरी मुझे, क्योंकि अश्वन का बॉल सही जगह गिर नहीं रहा, उन्होंने 3 से 4 चौके भी खाए, कैच भी ड्रॉप किया, थोड़ा मुझे ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, मुझे पता नहीं वो कॉन्फिडेंस से हटके थोड़ा नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा सा वरिंग पॉइंट था मेरे लिए लास्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ के वो थोड़ा सा कंटेन पे कर चले गए। हालांकि इज अ विकेट टेकिंग बॉलर, मैंने दो तरह के अश्वन देखे हैं, एक स्लो करके विकेट लेने वाले और एक रन रोकने वाले। तो अब उनको डिसाइड करना है कि वो विकेट लेने जा रहे हैं या रन रोकने जा रहे हैं। तो मुझे कुछ ऑफ कलर नजर आए, परेशानी की बात एक। दूसरा जडेजा बहुत तेज बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत तेज, स्पिन का टाइम नहीं दे रहे। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे स्पिन नहीं हो रहा, यहाँ पे स्पिन नहीं हो रहा, लेकिन केदार यादव ने छोड़ के बॉलिंग की है, आपने देखा होगा, तो आउट किया उन्होंने, उन्होंने लूप डिलीवरीज की हैं, बॉल ब्रेक होके वेरिएशन के साथ उन्होंने आउट किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थोड़े से वरिंग पॉइंट है हिंदुस्तान के लिए। दूसरा भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो रोमान रईस वापस आए हैं, नया बॉल अच्छा करते हैं, डेप्थ में बॉलिंग अच्छी करते हैं, उल्टा भी करते हैं, उल्टा भी मारते हैं, स्लो बाउंसर भी करते हैं। उन्होंने पहला मैच खेला है, बड़ा कॉन्फिडेंट, बड़ा अच्छा है, आमिर की जगह खेले हैं। जुनेद खान मुश्किल बॉलर हैं, वो आगे से बहुत मुश्किल बॉलिंग करते हैं। देखिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर हिंदुस्तान। अगर हिंदुस्तान लूजेस अ टॉस एंड पाकिस्तान इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, पाकिस्तान विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट हिंदुस्तान बैटिंग विद द न्यूअर बॉल, बट लेस लिमिटेड ऑप्शन स्पिन के साथ जाएगा, और वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तान स्पिनर्स इंट्रोड्यूस जल्दी ना करवाए। पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग के साथ दो दो तीन दिन स्पेल कराएगा, पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश करेगा तेज गेंदबाजों से। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो विराट ने यह कहा है कि वो इस मैच को एक नॉर्मल मैच की तरह खेलेंगे, पर क्या ये नॉर्मल मैच होगा बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका, यह है एबीपी न्यूज पर महा कवरेज भारत पाकिस्तान फाइनल से पहले। हमारे साथ यहां पर है शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग। सहवाग, सबसे पहले आपसे, जो बात यहां पर बार बार पाकिस्तान कह रहा है कि उनके पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं, जिससे वो कोशिश करेगा कि भारत की बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त करें, आप ऐसा होता देख रहे हैं क्या? देखिए, मुझे लगता नहीं, क्योंकि पिछले मैच में भी जब हम लोग बात कर रहे थे, शोएब यही बात कर रहे थे कि उनके तेज गेंदबाज हैं, सबकी तारीफ कर रहे हैं। नो डाउट वो अच्छे गेंदबाज हैं, और हमेशा से ये माना जाता है कि पाकिस्तान की तेज़ गेंदबाजी और भारत की बल्लेबाजी का कंपटीशन होता है। लेकिन अगर भारत, जैसा शोएब ने खुद कहा कि 280 अगर 300 बना देता है पहले खेल कर, तो क्या पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में वो दम है कि वो 280 300 चेज करे? क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान ने शायद 250 से ऊपर चेज किए नहीं है इस टूर्नामेंट में। ये बहुत बड़ा सवाल है कि उनकी गेंदबाजी ने अच्छा प्रदर्शन कर 220 या 235 तक, यही तो हम आपसे यही जानना चाहते थे पिछले सवाल में जब आप इंडिया की बात कर रहे थे, कि क्या पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें दम कम है 280-300 रन चेज करने का? मैं वीरेंद्र, वीरू, ये 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 तुम बेहतर बता सकते हो, क्योंकि बैटिंग के बारे में तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। मेरी जो लिमिटेड सोच है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वीरू। मुझे लगता है कि शोएब मलिक को ओपनर आ गए, फखर आ गए, अपना अजहर आ गए, बाबर आजम, फिर शोएब मलिक, फिर हफीज, फिर सरफराज। हफीज को ऊपर भेजना मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। मैं उसको मशवरा ये दे रहा हूँ कि अपने आप को, वो स्पिन अच्छा खेल लेता है, शॉटें अच्छी खेल लेता है, हफीज डॉट बॉल ज़्यादा खेलता है, टाइम लेता है। मलिक अगर ऊपर आ जाए, अगर वो टू डाउन आ जाए, थोड़ा 4-5 ओवर लेके सेटल डाउन होके, फिर वो स्ट्राइक रेट बड़ा तेज़ी से रोटेट करता है। क्योंकि हम फंस कहाँ जाते हैं, जब हफीज़ भी डॉट बॉल खेलना शुरू कर देता है, बाबर आजम भी फंस जाता है, तो वहाँ पे स्ट्राइक रेट और रन रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, स्ट्राइक रेट नीचे आ जाता है, रन रेट ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मलिक को या आइदर वन डाउन या टू डाउन बाबर आजम के बाद भेजना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये तो पाकिस्तान मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि बाबर बैट्समैन पूछ रहा हूँ, और हफीज, ये दोनों डॉट बॉल बहुत खेलते हैं, और अजहर अली, देखिए बैट्समैन सभी अच्छे होते हैं शोएब जी, बैट्समैन सभी अच्छे होते हैं, लेकिन प्रेशर में कौन अच्छा खेलता है? और प्रेशर से मुझे एक ही बात याद आती है कि गाड़ी का एक्सीलेटर और थर्मामीटर का टेम्परेचर और जीत का प्रेशर जब बढ़ता है ना, तो सबके हाथ पैर कांपते हैं। जी हाँ, गाड़ी का एक्सेलरेटर, थर्मामीटर में टेम्परेचर और मैच का प्रेशर, तो बहुत मुश्किल हो जाती है।
शोएब, ये बात आप मानेंगे ना, क्योंकि दोनों टीमें चाहती हैं कि वो चेस करें, लेकिन हालांकि पाकिस्तान ने चेस करके यहाँ मैचेस जरूर जीते हैं, लेकिन एक बड़े मैच का, बड़े फाइनल का, खासतौर पर जब आप इंडिया के खिलाफ खेलें, तो चेस करने का प्रेशर बहुत अलग होता है। और ये बात भी पाकिस्तान याद रखे कि हिंदुस्तान ने 300 करवाया है, हिंदुस्तान की बॉलिंग 300 करवाया है, लेकिन इसका ये मतलब ही हिंदुस्तान की बॉलिंग बुरी है, ये बात ध्यान में रखिए कि ये विकटें जहाँ ना स्पिन हो रहा है, ना सीम हो रहा है, ना बाउंस अच्छा हो रहा है, और मुश्किल तरीन विकटें दी हैं, ये इंग्लैंड है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे इंग्लैंड है, ना बॉल सीम हो रहा है, ना स्पिन हो रहा है, ना कुछ लैटरल मूवमेंट मिल रही है, खड़े खड़े हाँ तो क्या कह रहे ये एशिया कप का फाइनल यार, वही मैं समझ रहा हूँ, मैं तो ये वीर तो बेचारा साइजी फंसा रहा है इंग्लैंड में सीम ट्रैक में खेलते हुए, बाकी दुनिया फंसी रही है, ये पहला मैंने टूर्नामेंट देखा है जहाँ पे बॉलर्स को मदद ही नहीं है, जो भी आता है मार खा रहा है, जो भी आ रहा है मार खा रहा है, खुदा का वास्ता है, अल्लाह का रैम खाओ बॉलरों पे कि बॉलर्स का ना स्पिन होता है ना बॉल निकल रहा है, कुछ थोड़े लॉज थोड़े रिलैक्स कर लो, कुछ दायरे दो खत्म कर लो, लेकिन पाकिस्तान ने दो मैच तो बॉलर्स के वजह से ही जीता है ना, जिस तरीके का प्रेशर उन्होंने बॉलर्स पर चेस भी तो किया है, मैं वो कह रहा हूँ ना आपसे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है हिंदुस्तान की बॉलिंग के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग में निप ज्यादा है, वो कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि पाकिस्तान को प्रेशर नहीं लेना, रन अ बॉल खेल सकते हैं, 4.5 की एवरेज से खेल सकते हैं, 4.5 की एवरेज से विकेट इन हैंड्स हो, स्ट्राइक रोटेट करते रहें, डॉट बॉल्स ना खेलें जैसे वीरू कह रहे हैं, और शोएब मलिक को ऊपर आना पड़ेगा, बाबर आजम हफीज जब खड़े हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, शोएब मलिक का ये होता है कि शोएब मलिक स्ट्राइक रोटेट करता रहता है और फिर नीचे से सरफराज करता रहता है, तो 300 रन होना यहाँ पे आसानी के साथ कुछ ज्यादा बहुत बड़ी मुश्किल की चीज नहीं है, तो पाकिस्तान क्या आप भी यही मानते हैं जो यहाँ पर बात शोएब कह रहे हैं कि मिडिल ओवर्स ही क्रूशियल होंगे और वहां पर शायद एज टीम इंडिया के पास है, क्योंकि टीम इंडिया ज्यादा डॉट बॉल्स नहीं खेलता है। जी बिल्कुल, क्रूशियल ओवर हमेशा से मिडिल ओवर रहे हैं, क्योंकि पावर प्ले में आप कोशिश करते अच्छी शुरुआत दें, अंत में सभी बल्लेबाजों को मारना होता है, जो स्लॉग ओवर्स होते हैं, जो मिडिल ओवर होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए विराट कोहली सबसे सफल बल्लेबाज क्यों है, क्योंकि वो मिडिल ओवर में बहुत अच्छा खेलते हैं, जब जरूरत होती है तब बाउंड्री लगाते हैं, रोटेट करते हैं, तो इसलिए वो सबसे खतरनाक खिलाड़ी, और जो भी खिलाड़ी खतरनाक बनता है वो मिडिल ओवर में अच्छा खेलता है, तो इसलिए वो खतरनाक बनता है। और रही बात पाकिस्तान की बल्लेबाजी की, कि शोएब कह रहे हैं कि उन्होंने चेज़ किए, लेकिन अभी तक उन्होंने 250 से ज़्यादा चेज़ नहीं किए इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान अगर जीता है तो अपनी गेंदबाजी की बदौलत ही जीता है, और आज भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा उन्हें, कल भी माफ़ कीजिए, कि अगर वो पाकिस्तान की गेंदबाजी अच्छा करती है तो ही पाकिस्तान जीत सकता है, वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। यहाँ पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम पूछेंगे सहवाग से जीत के वो मंत्र जो टीम इंडिया को याद करने जरूरी होंगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर महा कवरेज, शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सहवाग, अगर आपसे मैं सीधा पूछूं कि वो तीन चीजें जो आपको लगता है टीम इंडिया को सही करना पड़ेगा कि ताकि ये फाइनल मुकाबला भारत ही जीते। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस फॉर्म में भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी है, देखिए 5 गेंदबाजों में से एक या दो गेंदबाजों की पिटाई जरूर होगी, क्योंकि तभी 250 या 270 रन बनेंगे किसी भी टीम के, लेकिन जो 3 गेंदबाजी अच्छी करेंगे मेक श्योर कि वो कम रन दें और वो विकटें ज़्यादा लें, तो अच्छा रहता है किसी भी टीम के लिए। अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी उठा के देखें तो वहाँ भी जब जब उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, उनके 4 गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन भारत के खिलाफ जब 319 बने तो शायद एक ही गेंदबाज थे जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, बाकी 4 गेंदबाजों ने काफ़ी ज़्यादा रन दिए। जी हाँ शोएब, वैसे ये पूछना तो आपसे बिल्कुल मुझे ज़रूरी लगता है कि आप भले ही पाकिस्तान की आप बहुत ज़्यादा जो है आप कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान सब कुछ सही चीज़ें करें, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि टीम इंडिया को कौन सी 3 चीज़ें करनी चाहिए जिससे वो पाकिस्तान को हरा सके, तो आप क्या कहेंगे? वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा आप कोई बात नहीं, एक बार छोटा सा ले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद थी इस आंसर की, मुझे उम्मीद थी। मैं ये कोई एक अच्छी राय देना चाहूंगा, जितनी तारीफ वो भारतीय टीम की करते हैं शायद थोड़ी तारीफ पीसीबी की करेंगे तो जॉब पक्की है। नहीं चाहिए जॉब शोएब अख्तर, देखना पहले कभी बिका है ना आप देखेगा, पाकिस्तान के लिए जुनून है, प्यार है, फ्री काम करने को तैयार हूँ,
पैसे नहीं चाहिए, पाकिस्तान की खिदमत के लिए पैसे नहीं चाहिए भाई, मुझे पूछ लें मैं बता दूंगा। बट मेरा आखिरी अल्फाज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान विल क्रिएट अ हिस्ट्री, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत के आएगा। वीरू भाई क्या कहेंगे आप? देखिए मैं उम्मीद करूंगा भारतीय टीम से कि वो शोएब अख्तर को एक अच्छा मैसेज दे जीतने के बाद। जी हाँ बिल्कुल, एक अच्छा मैसेज दें शोएब अख्तर को। लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि टीम इंडिया एक बार फिर 2013 की तरह 2017 में भी बने बाहुबली। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर महाकवरेज। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सहवाग, शोएब अख्तर हमारे साथ रहने के लिए। आप कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि एबीपी न्यूज पर महाकवरेज लगातार जारी रहेगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।